एज हिल तमिल फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिन्होंने 1999 से शुरू करके अभी तक की कई सारे सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं डायरेक्टर एज हिल का बॉक्स ऑफिस कार्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हो डायरेक्टर एज हिल का फैन, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, थुल्लाधा मनामु थुल्लुम। यह 1999 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें थलापति विजय सिमरन लीड रोल में है। इसमें रुक्कू जब अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, तब एक म्यूजिशियन कुत्ती ने कैसे उसे मदद करते हैं वह इसमें दिखाई है। और इस फिल्म को बाद में कई सारे डिफरेंट लैंग्वेज में रिमेक बनाई गई है। और इस फिल्म ने टू तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड जीता है, जिसमें सिमरन बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीती है। दूसरी तरफ थलापति विजय ने MGR ऑनररी अवार्ड जीता है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.7 आउट ऑफ 10। और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर टू, पेनिन मनाथाई थोट्टू। ये 2000 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें प्रभु देवा जाया लीड रोल में है। इसमें एक हार्ट सर्जन सुनील और सुनीता के बीच में एक रिवेंज स्टोरी को दिखाई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.6 आउट ऑफ 10। और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर थ्री, पोविल्लम उन वसम। ये 2001 का ड्रामा फिल्म है और इसमें थलाजीत कुमार जयतिका लीड रोल में है। इसमें दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड चिन्ना और चिल्ला इन दोनों के बीच में प्यार को दिखाई है। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 डेज तक सक्सेसफुली रन किया था। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.3 आउट ऑफ 10। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर फोर, राजा। ये 2002 का रोमांटिक फिल्म है और इसमें थलाजीत कुमार जयतिका लीड रोल में है। और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर फाइव, अमोधे। ये 2005 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें जयाकर्ष मधुमिता लीड रोल में है। और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर सिक्स, दीपावली। ये 2007 का एक्शन रोमांटिक फिल्म है और इसमें जयम रवि भवाना लीड रोल में है। इसमें बिल्लू और सुशी दोनों के बीच में प्यार है, पर बाद में सुशी ने ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से जाने की वजह से बिल्लू को भूल जाती है। और इसके बाद क्या होता है वह इसमें दिखाई है। और इसका हिंदी डब है बिल्लू बच्चन एक दिल जला नाम से। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.8 और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर सेवन, मानम कोथी पड़ावाई। ये 2012 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें शिवा कार्तिकेयन आत्मिया लीड रोल में है। इसमें कन्नन और एक क्रिमिनल की बेटी के बीच में प्यार को दिखाई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.3 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। नंबर एट, डेजिंगू राजा। ये 2013 का कॉमेडी फिल्म है और इसमें विमल बिंदु लीड रोल में है। इसमें इधरकानी और बिंदु दोनों के बीच में प्यार है और दोनों मिलकर कैसे दो गांव के बीच में लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई है। और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है। और जहां पर इसका बजट था 5 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 30 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर नाइन, वेल्लई करादुराई। ये 2014 का कॉमेडी फिल्म है और इसमें विक्रम प्रभु श्री दिव्या लीड रोल में है। इसमें मुरुगन और यमुना के बीच में प्यार को दिखाई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 4 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर 10, वेलाई नो बंधुत्था वेलाई करण। ये 2016 का कॉमेडी फिल्म है और इसमें विष्णु निक्की गलवानी लीड रोल में है। इसमें एक यंग लड़का कोमा पे जाने से पहले कैसे अपने प्यार के बारे में एक पॉलिटिशियन से मदद मांगते हैं वह इसमें दिखाई है। और इस फिल्म पे एक ट्विस्ट भी नजर आई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6 आउट ऑफ 10 और जहाँ पर इसका बजट था 4 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 12 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 11, सरवनन इरुक्का बायमिन। ये 2017 का सुपर नेचुरल कॉमेडी फिल्म है और इसमें उदय निधि स्टारिंग रेजिना कैसेंड्रा लीड रोल में है। इसमें एक जॉबलेस लड़का सरवनन कैसे लोकल पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं वह इसमें दिखाई है। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 12, आयरम जिनमंगल। ये अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इसमें प्रकाश कुमार ऐशा रब्बा निकिशा पटेल लीड रोल में है और इसमें काफी हॉरर सीन दिखाया जाएगा। नंबर 13, जगह जला खिलाड़ी। ये अपकमिंग कॉमेडी फिल्म है और इसमें निवेदा पेथुराज विष्णु विशाल और योगी बाबू लीड रोल में है और इसमें काफी कॉमेडी ट्विस्ट नजर आएंगे। और इस फिल्म पर विष्णु विशाल को काफी डिफरेंट एक्टर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन सब अपकमिंग फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए आपको इंतजार रहेगा कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा डायरेक्टर एज हिल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में।
इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और सर की बॉलीवुड और साउथ इंडियन स्टोरीज अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।